हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। देखो ये देखो, सुबह सुबह ये क्या कर रहा है? ये अंडा बना पड़ा है। अंडा, हंकी पंकी अंडा। ये तैयार हो गई स्कूल के लिए और मेरा भी काम पड़ा है, बस इनको भगा के मैं करूंगी अपना काम। और अंडा को फोड़ेंगे और अंडे को आमलेट, फोड़ेंगे अपन, अंडे को फोड़ेंगे, अंडे को। हाँ और भाई, उसका आमलेट बना के खा जाएंगे। इसका ऑमलेट बनाएंगे हम। गाइस, इसका ऑमलेट बना दें, बताना कमेंट बॉक्स में इसका ऑमलेट बना दें क्या। ठीक है, तो इनको कर देते हैं रेडी। पहले इसका ऑमलेट बना देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका ऑमलेट बना के। ठीक है, मेरा कैमरा ब्लर हो रहा है, इसको साफ कर देती हूँ। हाँ, अभी ठीक है। तो आज सुबह का रूटीन देखते हैं क्या होता है। पहले मैं अपना काम फाइनल कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको रेडी होके ना तो किसके। गाइस, आज मैं ना पूरा रूटीन दिखाऊंगी, पूरा अपना सेंटर वाला भी, यहाँ का भी, जहाँ मैं जाती हूँ सिखाने के लिए, तो वहाँ पर भी आज मैं अपनी ब्लॉगिंग करूँगी। ज़्यादा तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन थोड़ी सी करूँगी वहाँ जगह। तो मैं बस अपना काम फाइनल कर लेती हूँ पहले। गाइस, मैं अपना काम फाइनल करके आ चुकी हूँ। पूरा घर का काम कम्प्लीट हो चुका है, साफ सफाई सब कम्प्लीट एकदम डन। अब मैं रेडी हो जाती हूँ अपना जाने के लिए। जॉब का टाइम हो गया है, करीबन दोपहर का टाइम भी हो गया है। उस कमरे में पेंट करना था, इस वजह से पुट्टी वगैरह लगाई थी, उसको घिसा है। अब उसके बाद उस पर पेंट होगा, तो पेंट शाम को देखते हैं। लेकिन अभी मैं रेडी हो जाती हूँ और मैंने कपड़े भी निकाल लिए अपने हैं, कल वाले कपड़े पहने, क्योंकि वो मैंने थोड़ी देर पहने थे। अब इतना बार बार धोना बस के नहीं है मेरे, तो मैं अब बस इनको पहन के रेडी हो जाती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी मैंने डाल लिए अपने कपड़े। कपड़े डालने के बाद बस फटाफट से थोड़ा बहुत कुछ लगा लेती हूँ फेस पे। लाइट जा रखी है, इसलिए छोटी वाली लाइट जला रखी है। बड़ी वाली लाइट तभी चलेगी जब लाइट आएगी। तो बस अभी मैं अपना थोड़ा सा कर लेती हूँ, फेस पे कुछ लगा लेती हूँ। नाइट क्रीम, डे क्रीम लगाऊंगी फेस पे। बस वही मेरा मेकअप होता है, हेयर कॉम कर लूँगी, फिर बस जस्ट खत्म। तो भी बस रेडी हो जाती हूँ, फिर निकलते टाइम बात करते हैं, क्योंकि बच्चों का भी आने का टाइम हो गया। बच्चे आ जाएंगे, फिर मैं उनको भी थोड़ा सा खाना पीना खिलाना है, फिर मिलेंगे। मैं रेडी हो चुकी हूँ एकदम, पता नहीं कैसे, लेकिन बस अब बच्चों के आने का टाइम हो गया है। जैसे ही बच्चे आते हैं फिर देखते हैं क्या करते हैं। बच्चों को खाना वाना खिला के बस मेरा भी निकलने का टाइम हो जाएगा, मैं भी निकल ही जाऊंगी। बच्चे आ गए हैं स्कूल से और अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय। शरारत नहीं करनी है, लाइट छोटी जला लो, बड़ी वाली वाली को कपड़े पहन लेना, ट्यूशन टाइम से चले जाना। मैं भी चलती हूँ, तो मिलते हैं भी रास्ते में कल के बाद। गाइज, हम सेंटर पहुंच चुके हैं और सेंटर पहुंचने के बाद धक्के मार के इधर आओ मैडम। सेंटर पहुंचने के बाद हमें धक्के मार के निकाल दिया सेंटर से। क्यों निकाला वो बताओ? डोर टू डोर भेज दिया। बच्चे ढूंढ के लाओ, हमारे बैच के बच्चे लिए हमें बच्चे ढूंढने के लिए भेज दिया गया है। और अब हमें देखना है आंटी डाटा मार के आ रही है, हमारे ही जूते हमारे जूते लगा बटे। चलो गाइस, बच्चे ढूंढ के फिर मिलते हैं आपसे। गाइस, हम सेंटर हम पे लौट आए हैं, भाग के लौट आए हम, भिखारी दोनों दोनों। ये हमारे स्टूडेंट थे, भाग रहे हैं हम छोटे छोटे, हम वापस आए, हमारा भी हो गया। इधर हम आए हैं मॉल में घूमने के लिए फिर से, थोड़ा सा सोचा एंजॉयमेंट हो जाए, तो आज फिर हम मॉल में घूमने आ गए। ये हमारी मामी जी हैं। गाइस, यहाँ पर देखो ये लगे हुए हैं, इतना प्यारा व्यू है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए न्यू न्यू ब्लॉग लाती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो भी बताना, और क्यों कुछ नया ऐड कराना हो तो भी बताना।